आपके अंदर भी गुस्सा होगा, पाकिस्तान को उड़ा देने वाला जज्बा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मोदी जी के द्वारा की गई असली सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करूंगा। और दूसरी बात कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर को ही भारत ने छोड़ा था, वो भी एनडीए की सरकार ने। और कुछ ऐसे सवाल जो मेन स्ट्रीम मीडिया को आपसे पूछने चाहिए थे, सरकार से पूछने चाहिए थे, जो नहीं पूछे, जो मैं आज पूछने वाला हूं। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पुलवामा आतंकी हमला एक ऐसा हमला जो डर के भी रूह कपा दे। 44 जवान शहीद हो जाते हैं। खुफिया एजेंसी ने 8 फरवरी को बकायदा आईईडी हमले का अलर्ट जारी किया गया था। साफ तौर पर हिदायत दी गई थी कि बगैर इलाके को सैनिटाइज किए सुरक्षा काफिले आगे ना बढ़े। एक ऐसा इलाका जहां से 2500 जवान निकलते हो तो सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त क्यों नहीं किए जाते? सवाल सबसे बड़ा यह है, इस बेहद अहम अलर्ट की अनदेखी कैसे की जा सकती है? तो इसका जवाब मिला कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि खुफिया विफलता हो। हम हाईवे पर घूम रही विस्फोटकों से भरी गाड़ी की पहचान करने में विफल रहे, यानी कि फेल रहे। हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि हमसे भी गलती हुई है। यह गलती नहीं साहब, यह बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या सुरक्षा सिर्फ वीवीआईपी लोगों की बपौती है? सिर्फ 2 महीने पहले खबर देखी है आप पाएंगे कि सेना और सुरक्षा बलों ने पुलवामा के त्राल में 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। क्या ऐसे इलाके से गुजरते वक्त विशेष सावधानी नहीं बरतनी चाहिए थी? सवाल यह भी है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में गुरुवार 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के एक फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि जैश आतंकी विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवान को ले जा रही बस में स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मारी और उस गाड़ी में 350 किलोग्राम एक्सप्लोजिव से, यानी कि विस्फोटक पदार्थ थे। टक्कर मारने के बाद जबरदस्त धमाका हुआ, 3 किलोमीटर तक गूंज सुनाई दी और बस के पर खच्चे उड़ गए। अब इंसान का क्या हुआ होगा खुद ही देख लीजिए। यहां सवाल है कि 350 किलोग्राम एक्सप्लोजिव कैसे आया और कहां से आया, इसके लिए पैसा भी किसने दिया, काफिला यहां से गुजर रहा है इसकी इंफॉर्मेशन किसने दी? आप अब सोचेंगे कि सीआरपीएफ पर हमला क्यों किया गया। वैसे आर्मी को ये लोग अमूमन निशाना बनाते हैं, तो आप एबीपी न्यूज की ये न्यूज देखिए कि हमला सिर्फ सीआरपीएफ पे वेल प्लान्ड था, क्यों किया गया। कि आतंकवादी जो है बाकायदा उन्होंने साजिश इस तरीके की रची कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। हमले का मकसद मैक्सिमम कैजुअल्टी होना चाहिए। यह नापाक साजिश रची गई आतंकवादियों की तरफ से। निर्देश आतंकवादियों को यह थे कि धमाका ऐसा करो जिसकी गूंज दूर दूर तक, दिल्ली तक सुनाई दे। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2016 में हुए उरी हमले के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। कल इस घटना की खबर आने के बाद भी मनोज तिवारी जी रात 9 बजे एक कार्यक्रम में डांस कर रहे थे, अमित शाह कर्नाटक में सभा कर रहे थे। क्या यह गोदी मीडिया अमित शाह से पूछ सकता है कि क्यों कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया? क्या उनसे पूछ सकता है कि कश्मीर में आपकी क्या नीति है, क्यों आतंकवादी पैर पसार रहा है? माहौल ऐसा पूरे देश में हो गया है कि हर कोई मोदी सरकार से पाकिस्तान को सख्त से सख्त जवाब देने की मांग कर रहा है। वही भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक मानी जाए, MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने का ऐलान किया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने के साल भर बाद ही भारत ने पाकिस्तान को 1996 में MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान की ओर से भी भारत को कोई ऐसा दर्जा नहीं दिया गया था। दरअसल MFN एक विशेष दर्जा होता है जो एक ट्रेड पार्टनर को दिया जाता है, जिसके तहत 2 देशों और उसके साथ ही साथ दूसरे ट्रेड पार्टनर्स के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यापार यानी कि बिजनेस किया जा सके। MFN कितना जरूरी होता है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड का फर्स्ट क्लॉज है
कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत एक सदस्य देश अपनी ट्रेड पार्टनर देशों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता, पार्शियलिटी नहीं कर सकता। अगर किसी भी एक ट्रेड पार्टनर को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हर देश को यह स्पेशल स्टेटस मिलेगा। अब भारत ने अगर पाकिस्तान को MFN का दर्जा दिया था तो उन्हें उसके साथ व्यापार में उसी तरह पेश आना था जैसे कि वो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ पेश करते थे, पार्शियलिटी नहीं कर सकते। भारत इस दर्जे के तहत भेदभाव नहीं कर सकता। मोस्ट फेवर्ड नेशन मिलने के बाद इंपोर्ट ड्यूटीज टैक्सेस पर काफी रियायत, काफी छूट मिलती थी, बॉर्डर के आर पार व्यापार करने में काफी सहूलियत होती थी, दिक्कतें नहीं होती थी। पाकिस्तान को चीनी, ऑर्गेनिक केमिकल, मिनरल ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, स्टील जैसी कमोडिटीज का बिजनेस होता था। इससे टैक्स में काफी अच्छा रियायत मिलती थी, डिस्काउंट मिलता था। और जब MNF का दर्जा उनसे छीन लिया गया तो उनके लिए भारत बिजनेस में दिक्कत होने वाली है। पाकिस्तान को सीधा सीधा पाकिस्तान को इस आर्थिक नुकसान होगा। वर्ल्ड बैंक ने दिसंबर 2018 में उम्मीद जताई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक आ रहा $2 बिलियन का व्यापार बढ़कर $37 बिलियन यानी कि $47 बिलियन का हो सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान का MNF का दर्जा खत्म होने के बाद व्यापार में भी भारी कमी आएगी। और लेकिन मैं बता दूं, भारत का सिर्फ 0.35% था, लेकिन पाकिस्तान इसे WTO में जाकर के चैलेंज करेगा। पाकिस्तान की दलीलें ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी क्योंकि दरअसल पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया था। यही वजह है कि उनका पक्ष और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। यूं कहें कि पाकिस्तान की इकॉनमी पर एक ये तत्काल सर्जिकल स्ट्राइक है और उससे कम भी नहीं है। पुलवामा में इतना बड़ा आतंकी हमला करने वाले जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को भारत सरकार को ही छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद इस मसूर की आतंकी मानसिकता ने कई मासूमों की, कई भारतीय जवानों की जान ले ली। 20 साल पहले 24 दिसंबर 1999 को देश को कांप उठा था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 जो काठमांडू से नई दिल्ली के लिए आ रही थी, 180 लोगों से सवार यह फ्लाइट हाईजैक कर ली जाती है, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा बच जाता है, बेचैनी का माहौल पैदा हो जाता है। सरकार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आतंकी ऐसी भी कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। प्लेन को हाईजैक करने के बाद पैसेंजर को मार डाला, जिससे सरकार पर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ। टेररिस्ट ने जो हाईजैक किए गए विमान को, प्लेन को दुबई पहुंचाया गया, जहां उन्होंने टैंक को रिफ्यूल किया और कुछ यात्रियों को उसके एवज में रिहा किया गया। संख्या 27 के लगभग थी। लेकिन टैंक रिफ्यूलिंग के बाद टेररिस्ट ने प्लेन को अफगानिस्तान के कंधार में उतार दिया। अब तालिबान के समर्थन में यह विमान वहां उतरा, यह प्लेन वहां जाकर उतरता है, जिसके बाद तालिबानी आतंकियों ने चारों तरफ से उस विमान को घेर लिया। अब आतंकियों ने भारतीय लोगों को छोड़ने के एवज में अपनी एक डिमांड रखी, शर्त रखी। उन्होंने बोला कि हमें कई करोड़ रुपए और भारत की जेल में बंद अपने साथियों को छोड़ने की डिमांड भी कर दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आतंकियों की कुछ मांगे उन्होंने मानी, उस पर फैसला लिया, जिसमें कुछ आतंकियों को छोड़ने की बात भी शामिल थी। अब छोड़े गए 3 आतंकियों में मैं आपको नाम बता दूं, जैश ए मोहम्मद का प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सैयद, जिसे खूंखार आतंकी इसमें शामिल थे। इसके बाद तालिबान ने भी सभी यात्रियों को छोड़ दिया। जाते जाते अगर आपको लगता है कि पुलवामा हमले का बदला लेना है और पाकिस्तान से युद्ध करके ही इसको हासिल किया जा सकता है तो कोई मुश्किल नहीं है, कर भी सकते हैं, लेकिन यह कोई पहला युद्ध नहीं होगा। इससे पहले भी 4 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला सबके सामने है। इसलिए अगर सचमुच में आपको जवानों की चिंता है, उनके परिवार का संवेदनाएं हैं, उनकी जिंदगियों की चिंता है, तो एक ऐसे समाधान के बारे में सोचना चाहिए जिसमें भविष्य में हमारा एक भी जवान शहीद ना होना पड़े। लेकिन 20 साल में हुए हैं 39 बड़े आतंकी हमले, जिन्हें याद भी कई सैनिकों की शहीद होने के बाद, शहादत के बाद याद किया जाता है। गलती किससे हो रही है और कौन कर रहा है,
कब जागोगे और कब उठोगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा 3 व्हाट्सएप ग्रुप में। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते।